कुछ मत बोलो। So hello everyone, good evening to all of you my dear friends and future IAS officer. Is everything fine? So yes. तो क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? इफ़ एम ऑडिबल एंड विजिबल टू क्लियरली प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। यस सर, यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। हेलो शलम बासा काको प्रजापत बुद्धि सोजा शिवू हिमांचली काजल श्वेता मौर्य गुंजन सिंह काजल के राजकुमार सजाउद्दीन अली राजश्री शशांक शीतल सृष्टि शशांक दिवाकर राम गुड्डा एक्स वाई चैट राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। इफ एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू क्लियरली प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। यस 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 ओके। सो अभी 2022 एंड 2023 क्वेश्चंस पेपर को देखने के बाद सी सैट या जी एस की अगर मैं बात करूँ, पेपर वन और पेपर टू की बात करूँ, पता नहीं यूपीएससी किस प्रकार से अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम क्या पढ़ें तो क्या हमारा एग्जाम नहीं हो सकता है क्या। जिस प्रकार से यूपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, सिलेबस में ट्रेंड चेंज नहीं कर रही, सिलेबस तो वही है। राइट, क्वेश्चंस पूछने के तरीके, क्वेश्चंस पूछने के वे में जो चेंज कर रही है, उन्हीं पॉइंट्स ऑफ व्यू को देखने के बाद अब ऐसा रियलाइजेशन होता है कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप वाकई में अगर आप सीसैट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो अब आप वो टाइम भूल जाओ कि लास्ट के एक दो महीने तीन महीने अगर मैं टाइम दूँ तो मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा और मैं आराम से क्वालिफाई कर लूँगा। बहुत सारे बच्चे, आज भी करीब मैं 6 ऐसे बच्चों से बात हुई मेरी लगातार, जो जिन्होंने इस बार इंटरव्यू दिया जिनका नहीं हो पाया। राइट, फिर जब वो इस बार का जब प्रीलिम्स दिया तो उन्होंने कहा कि सर मुझे यकीन नहीं था यूपीएससी इस प्रकार के सीसैट पेपर में ले करके अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। राइट, तो न्यू ट्रेंड जो दो साल में जो लास्ट जो चेंज हुआ है उसी पैटर्न पे हम सभी लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। राइट, मैं हमेशा आप सभी को कहता हूँ आप सबके पास नोटबुक होना चाहिए। डू यू हैव नोटबुक्स? राइट, सभी लोग वेरी गुड सर, मेरा इस बार का प्रीलिम्स सीसैट के अटक रहा है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। गुड इवनिंग सर, ज़्यादा टाइम नहीं है। राइट, क्योंकि एक घंटे की क्लास होती है। राइट, इसमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है। आज हम सिलेबस को लेकर के भी डिस्कस करेंगे कि कब हमारा क्या क्या होने वाला, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, तो चलिए। सो यू ऑल आर वेलकम ऑन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। ये सभी हमारे 333 बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 3 लर्नर है, ऑल इंडिया रैंक 1 to 141 लर्नर है। तो आप भी बन सकते हो। राइट, ऐसा नहीं है, जब ये बच्चे बन सकते हैं तो क्यों आप क्यों नहीं कर सकते। राइट, स्मृति मिश्रा, कनिका गोयल, अभिनव सिंह। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द क्लास शेड्यूल, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट, ये हमारा क्लास का शेड्यूल है। राइट, आज तो क्लास 11:30 PM पे अन अकेडमी पे नहीं है। राइट, बट कल सुबह में या नहीं तो कल शाम को जरूर होगा। राइट, एंड माय डियर फ्रेंड्स, अभी अन अकेडमी आपको ऑफर दे रही है, आप चाहो तो आप ले सकते हो, एक्सटेंशन फ्री ऑफर। राइट, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया और आप इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो अन अकेडमी आपको 100% फ्री रिफंड कर देते हैं। सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, शेयर करिए। चंदू कह रहे हैं सर, सीसैट बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट ईयर आफ्टर ईयर। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। राइट, ये है आपका एक न्यू बैच है जो ऑप्शनल कार्निवल सेशन। आपका क्या ऑप्शनल है एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जो भी आपका ऑप्शनल हो। राइट, आप कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज यू कैन यूज दिस रेफरल कोड SKS10। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप में है मेहनत करने का हुनर तो ही बनना इस रेफरल कोड SKS10 कोड का यूजर। राइट, क्योंकि आप जब आप मेरे कोड को यूज करते हो तो डेफिनेटली आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड होते हो और आपको मिलता है टारगेट, आप उसको करते हो कंप्लीट। अगर आप नहीं करते हो तो शायद आप समझ ही सकते हो क्या से क्या हो जाता है। एनवायरनमेंट वेरी गुड, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संस्कृत,
शंभावी चौधरी, संस्कृत, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी को ऑप्शनल है, जो कोई है यहाँ पे जिसको ऑप्शनल यहाँ पे मैथ्स है, किसी को ऑप्शनल मैथ्स है, किसी को ऑप्शनल फिजिक्स है, कोई है ऐसा बच्चा? राइट। बाकी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ही सीरियस हैं प्रिपरेशन करने के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल हो चाहे इंटरव्यू हो, राइट, इसके लिए आप एक साथ नहीं पे कर सकते, तो आप ईएमआई पे कर सकते हो, कोई भी कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, राइट। सो यू हैव टू ओनली यूज माई रेफरल कोड देयर SKS10 और आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। अन अकेडमी की तरफ से कोई भी कॉल आता है, आप इस कोड को यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब मैं शुरुआत करता हूँ। ये हमारा ऑफलाइन बैचेज है, राइट। यहाँ अभी 150,000 ओनली 130,000 रुपीज़ फी है, यहाँ भी आप कर सकते हो। चलो बहुत कम टाइम है। टेलीग्राम लिंक को सबने ज्वाइन किया लास्ट टाइम, जो हमने जो आपको जो क्वेश्चंस पेपर जो दिया था, राइट राइट है ना, हमने जो आपको दिया था क्या आपको, एंड दिस सेशन इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय मी, यू कैन सी हियर अबाउट मी, राइट। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम, अभी जो मैंने जो पीडीएफ जो दिया था टेलीग्राम से, क्या आप लोगों को मिला, आप सभी को मिल गया? चलिए ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ओके, सॉरी, आप सभी को मैंने ये सब सारा, एक बात मैं आपको रिवाइज करा दूँ थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूँ, ताकि आज के सेशन में माय डियर फ्रेंड्स, राइट, मैंने आपको टेबल करा दिया था, कैलकुलेशन करा दिया था, स्क्वायर करा दिया था, क्यूब करा दिया था, और SSM फंडा एंड मिसलिनियस, ये सारा पोर्शंस मैंने आपको करा दिया था, राइट। ये सारी चीज़ें आपका हो गया था, कंप्लीट हो गया था, नहीं प्रैक्टिस किया था आपने, क्या क्या मैंने कराया था प्रैक्टिस आपने किया, PDF मिल गया सर, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, जिसको मिल गया बहुत अच्छी बात, राइट। सबने प्रैक्टिस किया, आप सभी लोगों ने प्रैक्टिस किया, ये भी मैंने आपको करा दिया था, ये जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, राइट, जहाँ से आपकी UPS ने इस पर क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको ये भी करा दिया था, राइट, है ना। आज मैं आपको अभी जो मैं कराऊंगा, राइट, जो हमारे लिए बेसिक्स चीज़ है, जो हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, राइट, ओके, हम उसको कवर करेंगे, राइट, हम उसको कम्प्लीट करेंगे, ओके, हम उसको कवर करेंगे और हम उसको कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट, ताकि हम लोग उसको बेहतर तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको समझ सकें, ठीक है। तो इसमें कुछ मैं आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट कराऊंगा, राइट, हमारा अभी भी यहाँ पे कुछ बेसिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आपको सिलेबस बताऊंगा आज, राइट, आज मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, कंप्लीट सिलेबस, राइट, क्या क्या हमारा अप्रोच होगा, क्या हमारा अप्रोच होगा, राइट, हम कौन से चीज़ों को मैथ्स में पढ़ेंगे, राइट, कौन से चीज़ों को हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, राइट, और क्या हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है, इसको लेकर हम बाद में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक पॉइंट्स मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूँ, राइट, है ना, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में। पहली बात, पहले मैं आपसे थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ, 24 × 7 बताओ तो क्या आएगा, बताओ तो क्या होगा, 39 × 7 = 6 बताओ तो क्या होगा, 72 × 8 बताओ तो क्या होगा, एक बार मुझे आप बताते चलो, ताकि मुझे ऐसा रियलाइज होगा कि शायद आप पढ़ रहे हो। सर, 3 डिजिट वाला स्क्वायर बता दीजिए, 3 डिजिट वाला पिछली क्लास में बताया तो था, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बताया था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। जैसे मान लो कि 168 है, राइट, जैसे कि मान लो कि 168 है, राइट, इसी का आपको स्क्वायर करना है, तो इधर का डबल करना है, राइट, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 16 का करोगे 256, 16 8 जा करोगे कितना आएगा, 16 8 जा 128 एंड 128 2 जा 256, तो एक डिजिट इधर का छोड़ के 2, 5 और 6 ऐड करोगे 28 224 सिंपल सिंपल, राइट, ये बहुत ही सिंपल है। सेशंस को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए, राइट, सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए और शेयर की कर दीजिए, सभी लोग सेशंस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, ये पॉइंट्स था, ठीक है। अब देखिए एक और जो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको सिलेबस बताऊँगा, राइट, इतना जल्दी नहीं बताऊँगा, बेसिक्स होने के बाद, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर्स हो, राइट, एनी नंबर्स, राइट, एनी नंबर, राइट, एनी नंबर, राइट, अगर आप उसको मल्टीप्लाई 11 से करोगे, अगर आप उसको मल्टीप्लाई 11 से करोगे, आप देखते चलो ध्यान से, अगर आप उसको 11 से करोगे, जैसे कि मान लो कि आपके सामने
2, 3 है और इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। तो देखो ध्यान से, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव में जो कहाँ कहाँ से UPSC किस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस पूछ सकती है, मैं इसलिए ये पैटर्न आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप देखते चले। देखो ये 11 से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, ये 3 है ना, तो आप 3 यहाँ पे लिखो, ठीक है, लिख दिया 3 + 2 = 5 और ये बाद में 2। ध्यान से देखिए, जैसे देखो 32 × 11 है, तो ये जो 2 है आपने इस 2 को लिखा, 2 + 3 = 5 और ये 3। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए 27 × 11, 7 को आप 7 लिखोगे, 7 + 2 = 9 और ये है आपका 2। ध्यान से समझो 16 × 11, 6 + 1 करोगे 7 और ये होगा आपका 1। इज इट क्लियर? बात सबको समझ में आ रही है? आराम आराम से समझो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक छोटी छोटी चीज़ें आप समझेंगे नहीं तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा मैथ्स और रीजनिंग की ओर, राइट। तब तक आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, ओके। ध्यान से समझो, जैसे कि मान लो आप मुझे बताओ 43 × 11 क्या आएगा, मुझे बताओ, राइट राइट 42 × 11 क्या आएगा, राइट मुझे बताओ, राइट 26 × 11 क्या आएगा, राइट 72 × 11 क्या आएगा, मुझे बताओ, मुझे बताओ, ध्यान से बताओ, राइट। फिर देखो 89 × 11 क्या आएगा, 79 × 11 क्या आएगा, 86 × 11 क्या आएगा, 55 × 11 क्या आएगा। बात समझ में सबको आ रही है? अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग सेशंस को लाइक करिए, राइट। इतने सारे बच्चे, अरे इतने सारे बच्चे लाइव हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी ने सेशंस को लाइक नहीं किया है, राइट। इतने सारे बच्चे सेशंस को लाइव हो चुके हैं लेकिन अभी तक किसी ने सेशंस को लाइक नहीं किया है, ये महा गलत बात है। ये ऐसे हमारे ढोकुल लोलो और मेरे प्यारे प्यारे पुचकू बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, राइट। सेशंस को लाइक करते चलिए, आराम से सीखते चलिए, राइट। मुझे भी नहीं पता ये सेशन कब ख़त्म होगा, राइट, है ना। बस आराम से पढ़ते चलो, ठीक है, आराम से पढ़ते चलो, जब तक कि मैं आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं कर दूँ। देखो 3 का 3 होगा, 3 + 4 = 7 और 4 का 4, 2 का 2, 2 + 4 = 6, 4 का 4, 6 का 6, 6 + 2 = 8 और ये होगा आपका 2, 2 का 2, 2 + 7 = 9 और ये होगा आपका 7, ठीक है। अब देखो ये है आपका 9, 9 + 8, 17 का 7 कैरी 1, अब देखो 9 + 8, 17 का 7 कैरी 1, 8 + 1 = 9, देखो 9 का 9, 9 + 7 16 का 6, 16 का 6 कैरी 1, 7 + 1 = 8। बात समझ में आ रही है सबको? आराम से देखो सभी लोग सेशंस को लाइक करते चलें, शेयर करते, सभी लोग सेशंस को लाइक करो, शेयर करो, राइट। सभी लोग सेशंस को लाइक करो और शेयर करो, राइट। सभी लोग सेशंस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, राइट। सभी लोग सेशंस को लाइक करिए और शेयर कीजिए, ओके। देखो जैसे ये है, फिर आपका 6 + 8 14 का 14, 4 कैरी 1, 8 + 1 = 9, 5 + 5 = 10 का 0 कैरी 1, 5 + 1 = 6। मेरे प्यारे बच्चे, पहले बेसिक्स थोड़ा सा कर लो लाइव आकर के, उसके बाद देखना इस बार इस लेवल के क्वेश्चंस होगा। मैं आपको अभी भी कह दूं क्लास में, देखो सुनो बताता हूँ, देखो CSAT क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSAT, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देखिए। देखो CSAT क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSAT। CSAT में इस बार SSC के भी क्वेश्चंस हैं, इस बार यहाँ बैंकिंग के भी क्वेश्चंस हैं, इस बार यहाँ रेलवे के भी क्वेश्चंस हैं, राइट। इस बार यहाँ कैट लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, इस बार यहाँ IIT JEE लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके NDA लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, CPFO का भी क्वेश्चंस हैं, EPFO का भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि इन सभी, यानी कि बेसिकली जो CSAT जो है, मैं ये हमेशा कहना चाहता हूँ, इस बार का जो पेपर जो देखने से लगा है, जो CSAT का जो पेपर है, इन सब का कॉम्बिनेशन है, इन सब का कॉम्बिनेशन है, राइट। SSC वाले बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे, कैट, NDA, IIT, CPF, राइट, ये बिल्कुल ही अलग है,
ये बिल्कुल ही अलग है, राइट, बिल्कुल ही अलग है, राइट, ये बिल्कुल ही क्या है, आपका अलग है। इसलिए मैं हमेशा कहना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, इस बार आपको बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, राइट, है ना, सी ए पी एफ, राइट। तो आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, राइट, अपने आप को सोचना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है, राइट। हाँ, सी डी एस, ये लो ना, सी डी एस भी ऐड कर दिया, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप पढ़िए, इन सभी में से जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, मैं उसको खुद पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैंने पहले जो मेरे नोट्स है, जो पहले जो मैंने किया हुआ है, मैं उसी को आपको पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं खुद अप टू डेट, आई विल डेफिनेटली टीच यू फॉर सीसैट फॉर स्पेशली 2024 एंड 2025, अप टू डेट नोट्स, राइट, अप टू डेट नोट। ये चीज़ें आपको ऑफलाइन में कहीं नहीं मिलेगी, राइट, ये चीज़ आपको ऑफलाइन में नहीं कहीं मिलेगी, राइट, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, राइट, यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर की मैं बात कर रहा हूँ, मुखर्जी नगर की बात हो, किसी भी, राइट, कम्प्लीटली आपको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, राइट, है ना। आप देख लेना, मेरे क्लास को कंपेयर कर लेना किसी और क्लास से, मेरे पास खुद के ऐसे बच्चे हैं जो मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर में टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बावजूद भी, कहोगे तो मैं आपको स्क्रीन शॉट भी प्रस्ताली मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे व्हाट्सएप पे, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम सी सैट बाई संजय कुमार सा या SSM सर IIT दिल्ली ऑफिशियल, डेफिनेटली विल सी यू। तो आप आराम से पेशेंस के साथ पढ़ना, राइट, डेफिनेटली पेशेंस के साथ करना, ठीक है। चलो आगे देखो, तो ये बातें आपको समझ में आ गई, राइट, ये बातें आपको समझ आएगी। मैं इसमें एक दो पॉइंट्स में आपको और पूछना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि 1 2 3 × 11 है, राइट, या मान लो 2 4 6 × 11 है, राइट, या मान लो 5 4 3 × 11 है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखें सब लोग, अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, एक बार इसको समझ जाओगे तो आपका पैटर्न फिक्स हो जाएगा। जैसे ये 3 है, आप 3 लिखोगे, 3 + 2 5, 2 + 1 3, और ये वाला 1 1, क्लियर, ठीक है। अब देखो, जैसे ये 6 है, 6 6 + 4, 10 का 0 कैरी 1, 4 + 2 6 + 1 7, और ये है आपका 2। ध्यान से देखो, पहले दोनों में आप सभी लोग ध्यान से देखिए मेरे प्यारे फ्यूचर IAS ऑफिसर, राइट, प्लीज़ सभी लोग सेशंस को लाइक करें, शेयर करें, हाँ सभी लोग सेशंस, राइट, इज इट क्लियर, ठीक है। अब इसमें देखो पैटर्न, देखो ध्यान से समझने की कोशिश, जैसे ये 3 है ना, इस 3 को आपने लिखा 3 + 4 7, 4 + 5 9, और ये वाला 5 5 9 7 3, इज इट क्लियर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन SK10, वरना नहीं समझ में आ रहा आप हमें SP शाह कोड का भी रिप्लाई कर सकते हो। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ रही है, सब कुछ सर, क्लास रेगुलर है क्या? हाँ, ये क्लास यहाँ पे रेगुलर है, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे क्लास रेगुलर है, मंडे टू सैटरडे क्लास रेगुलर है। जब नहीं होगी क्लास तो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, मेरा टेलीग्राम का टेलीग्राम है CSAT by Sanjay Kumar Sah, SHH, है ना, करीब 7,500+ सब्सक्राइबर है टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, मेरा लेटेस्ट पोस्ट देख के ही ज्वाइन करना, ऐसा ना हो किसी और का है, कोई और ज्वाइन करवा दे, ठीक है। एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चे, वन सेकंड, थोड़ा सा रुक जाइए, ओके, ठीक है, ठीक है, देखो ये, ओहो सॉरी, अरे ये देखिए, ध्यान से देखना, ओके, देखो ध्यान से देखो, जैसे 3 4 2 × 11, राइट, है ना, 5 4 3 × 11, राइट, 1 4 6 11, राइट, है ना, 1 2 3 4 5 × 11, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, आराम से सब, आराम से, राइट, हाँ, ओके, हाय, वेरी गुड। प्रीलिम्स की भी कोई रेगुलर क्लास बता दो, ये सभी लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना, अन अकेडमी के ऐप पे आप सभी लोग फॉलो कर लेना, ठीक है, ओके, ठीक है, ये वाली बात है ना।
अब देखो, अब मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आप क्विकली आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही फास्ट तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि आपको लगेगा भी कि हाँ मैं कुछ एक्स्ट्रा मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैं समझ पा रहा हूँ, ओके, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, ओके। देखिए, देखो ध्यान से, राइट, ध्यान से, एक्स्ट्रा देखो, जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, राइट, बेसिक्स के सीरीज में, बेसिक्स के सीरीज में ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, बेसिक्स के सीरीज में एक है आपको, जैसे कि आप मुझे बताओ, ध्यान से आप मुझे बताओ, जैसे कि 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है, कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3, सबको 6 आ रहा है, सबको 6 आ रहा है, सभी लोग सेशंस को लाइक करना, सभी लोग सेशंस को लाइक करना और शेयर करना, राइट, 1 प्लस 2 प्लस 3, या इसी को आप करोगे, जैसे मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 करोगे, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा, 6 4 10 15 21 आएगा, राइट। तो मैं इसको, मैं अभी मैं एक टर्म में मैं जवाब दे रहा हूँ, इसको हम कहेंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, क्योंकि इसका यूज होगा अभी थोड़ी देर बाद, सम ऑफ एन नेचुरल, एन नेचुरल मतलब कि एन प्राकृत संख्या, एन प्राकृत संख्या, बेसिकली नेचुरल नंबर होते क्या है, हालांकि ये चीज़ मैं और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो 1 2 3 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक, जो 1 2 3 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक हो, 1 2 3 से स्टार्ट इन्फिनिटी तक हो, राइट। तो आखिर आप इसको कैसे याद रखोगे, राइट, हाँ इसे कैसे याद रखोगे, राइट, तो यह फंडा याद रखना, राइट, फंडा याद रखना, टोटल कितने हैं, 1 2 3, टोटल 3 है, इंटू टोटल प्लस 1/2, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल 3 है n, यानी तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये 3 है, सिंपल, 3 × 4/2, 2 2 जा 2 3 जा 6, 6 आया, जैसे ये कितना है, ये 6 तक है, ये 6 तक है, तो 6 6 प्लस 1 7/2, 2 3 जा 3 7 जा 21, मैं ऐसी चीज़ें आपको दे रहा हूँ ताकि आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत आप थोड़ी देर के लिए आप इन सब पॉइंट्स को, बेसिक्स बेसिक्स चीज़ों को आप समझ सको, बेसिक्स बेसिक्स चीज़ों को आप क्या कर सको, समझ सको, ठीक है, इज इट क्लियर, जैसे आप मुझे बताओ, जैसे आप मुझे बताओ, जैसे आप मुझे बताओ, 1 2 3 से लेकर के आप मुझे प्लस के 10 तक बताओ, देखो 10 तक का अगर आप इसको योग करोगे तो क्या आएगा, तो आपको पता है कि भाई टोटल 10 है, 10 है, 10, 10 के नेक्स्ट 11/2, 2 5 जा 5 11 जा 55, यहाँ से भी UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, वो इस साल ने पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा था, राइट, मेरी बात सबको समझ में आ रही आ रही कि नहीं आ रही, राइट, ओके। फिर देखो 1 से लेकर के 2 से लेकर के आप मुझे 20 तक का बताओ, 1 2 3 से लेकर के आप मुझे 50 तक का बताओ, बताओ मुझे 1 2 3 से लेकर के आप मुझे 100 तक का बताओ, सबको समझ में आ रही है, राइट, सर नंबर सिस्टम पढ़ा बेटा, पूनम पहले बेसिक्स हो जाए उसके बाद मैं नंबर सिस्टम का मैं एक एक डिजिट से स्टार्ट करूँगा, राइट, है ना, पहले मैं नंबर सिस्टम पे ही आ जाऊँगा तो सही बात नहीं है, राइट, आप आज लेक्चर आज तक रुको, आप आज तक रुको, राइट, है ना, कल से आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, ओके, कल से आपको सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, राइट, ओके, आज तक के लिए बस रुको, इज इट क्लियर, राइट, आज तक के लिए बस आप रुको, आज देखो सब कुछ होगा, राइट, GS का बता दो, CSET में बता दूंगा, राइट, परमुटेशन एंड डॉक्टर नीलिमा, ओके, सर बहुत नेट प्रॉब्लम हो रहा है मेरे, देखो मैं आप टेंशन नहीं लो, ठीक है ना, अभी ये चीज़ बताने के बाद मैं थोड़ा सा LCM भी बताऊंगा आपको, SCF भी बताऊंगा बेसिक्स, ठीक है, उसके बाद मैं आपको सिलेबस बता दूंगा और कल से उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आपको स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है राइट। देखो जैसे ये 20 है तो आपको पता है टोटल 20 इंटू 21 बाई 2 करोगे तो 210 जाती है, कितना आएगा आपका 210 आएगा। 50 है तो 50 इंटू 51 बाई 2 करोगे तो 225, ये कितना आएगा आपका 1275 आ रहा है क्या, एक बार चेक करो तो 1275 आ रहा है क्या। चलिए ठीक है, और इसमें करोगे तो कितना आएगा, इसमें करोगे तो कितना आएगा 100 इंटू 101 बाई 2, ये करोगे तो कितना आएगा आपका 50, तो ये आपका कितना आएगा आपका 50 राइट। यहाँ मैं आपको एक मैं नोट दे रहा हूँ आपको, देखो एक मैं आपको यहाँ पर नोट दे रहा हूँ ठीक है, एक नोट जैसे कि 101 को अगर आप ए बी से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से समझो ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है राइट, इस तरीके के 101 को अगर आप ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका ए बी और ए बी, ये ध्यान रखना राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 101 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 10 आएगा, 101 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आएगा, 101 को 101 को अगर आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही राइट। तो ये वाला चीज़ें थोड़ा सा आप अपने ब्रेन में फिक्स कीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में इसका यूज हो सकता है कभी ठीक है। एक इसी में एक और चीज़ें हैं जैसे कि 10101 इंटू आप ए बी, इसको करोगे तो भी आपका ए बी और ये आपका ए बी आएगा। आप करके देखो ना आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा राइट, है ना। जैसे 10101 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और आप मल्टीप्लाई करोगे मान लो 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 50 50 50 50। ओके इसको नोट डाउन कीजिए, आ रही बात समझ में सबको। बहुत कोशिश किया सर पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं समझा, सर लेक्चर क्लियर नहीं दिखा रहे हैं क्लियर, लेक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, क्या लेक्चर में कोई इशू आ रहा है क्या। सभी लोग सेशंस को लाइक करिए और शेयर कीजिए राइट, सेशन क्या लेक्चर में कोई इशू आ रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपको लेक्चर में कोई इशू आ रहा है क्या, लेक्चर में कोई इशू आ रहा है क्या। एक लेक्चर में एक पैटर्न है, दिस इज द पैटर्न राइट, आप इस पैटर्न को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, ये एक पैटर्न है जिससे आपको थोड़ा सा पता होगा। जैसे कि एक एग्जाम आपके एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आया था राइट, जैसे कि 2021 में आया था क्वेश्चन ठीक है, बट कोई बात नहीं आप अभी लिख लो इसको, इसको बार बार आप रिवाइज करना। मैं आप जैसे कि मान लो मैं यहाँ से क्वेश्चंस आपको दे सकता हूँ, जैसे देखो जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि मान लो सी डी एज अ नंबर राइट सी डी एक नंबर है ठीक है, एंड मान लो एक नंबर है पी क्यू एज अ डिविजिबल बाई ए ऑप्शन दिया हुआ है 10, बी ऑप्शन दिया है 101, सी ऑप्शन दिया है 101 राइट, एंड डी ऑप्शन दिया है 10101, बताओ क्या आएगा इसमें, बताओ कौन सा आएगा। ये आपके एग्जाम में कहीं कहीं पूछा गया क्वेश्चन है राइट। सर इस ईयर भी क्वेश्चंस इस टाइप से क्लियर नहीं, अपने फ़ोन की क्वालिटी को इंक्रीज करो ना राइट, फ़ोन की क्वालिटी को आप इंक्रीज़ कीजिए। देखो ज़्यादा ट्रिक जरूरी नहीं है राइट, ये नहीं है, सभी सेशंस को लाइक करिए राइट, सबको ये बात क्लियर है, सबको राइट क्लियर है। अगर मान लो ऐसा हो कि जैसे मान लो आपका MN एज डिविजिबल बाई ए ऑप्शन 7, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 13, डी ऑप्शन 101,
तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये आप हमें बताओ। राइट, देखो इसका आंसर तो आपको पता चल गया कि भाई साहब 10101 इसका आंसर आपका डी होगा। राइट, और इसका करोगे तो कैसे होगा, इसका करोगे तो कैसे होगा, राइट, राइट, इसका करोगे कैसे होगा, बस डेफिनेटली। राइट, तो आई होप मुझे लग रहा है कि शायद आप सभी लोग समझ चुके हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो मैं फिर भी कह रहा हूँ जो बच्चे अभी भी जुड़े हुए हैं, राइट, है ना, थोड़ी टाइम पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो आपको, राइट, है ना। मैं इसमें अभी मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगा, फिर मैं थोड़ी देर अप्रोच बताऊंगा मैथ्स और रीजनिंग का, फिर मैं कॉम्प्रिहेंसिव इसमें क्या क्या चीज़ हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। राइट, ओके, कैसे क्या चीज़ हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। राइट, अभी हमें थोड़ा सा बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है, अभी हमारे लिए बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, बेसिक्स जानना अभी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको करा रहा हूँ एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। देखो इसका मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, राइट, मैं आपको ट्रिक नहीं बताऊंगा, आपको ट्रिक जानना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या ट्रिक काम आता है क्या, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में सभी लोग, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए। राइट, क्या आपको लगता है कि एग्ज़ाम में ट्रिक काम आती है, नहीं आती है ना, एग्ज़ाम में ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं आती है। ठीक है ना, एग्ज़ाम में क्या काम आता है, आपका भेजा, जो चीज़ जैसे दिमाग में रहता है ना वही चीज़ें काम आती है। राइट, इसलिए जो चीज़ें आप ये एलसीएम जो आपकी स्कूल वाली मैडम जो आपको जैसा सिखाई थी मैडम मैथड, हम इसमें मैडम मैथड ही यूज करेंगे। राइट, एलसीएम में हम लोग कौन सा मैथड यूज करेंगे, मैडम मैथड यूज करेंगे। राइट, क्या है मैडम मैथड, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैडम मैथड। मैडम मैथड को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका है, राइट, सबसे पहले है कि सबसे आप लोवेस्ट नंबर लेना है। राइट, सबसे पहले आपको लोवेस्ट नंबर लेना है। दूसरा तरीका सोचना है कि एटलीस्ट टू नंबर इज डिविजिबल, एटलीस्ट टू नंबर इज डिविजिबल। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि 8 है, 12 है और ये आपका 16 है। ठीक है, 8, 12 और 16 है, 8, 12, 16 ले लो। राइट, है ना, एक आप इसकी यहाँ पे आप एक आप 42 भी ले लो। राइट, 42 भी ले लो। अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो मैथम मैथड से कैसे सॉल्व करोगे, देखना यहाँ से भी। इस बार भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, इस बार भी यूपीएससी 2023 में, याद है कौन सा क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन जो था। राइट, हाँ, अभी एसएसएम फंडा यूज नहीं करना। सबसे पहली बात आप इसको क्या यूज करोगे, 2 से करोगे, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 21 जा, 2 से करोगे, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 21 नहीं होगा। राइट, अभी भी क्या 2 से जा सकता है क्या, मिनिमम एटलीस्ट 2 नंबर, तो 2 और 4 है, 2 से जाएगा, 2 1 जा, 3 2 2 जा और 21। राइट, क्या अब आपका इसमें 2 से जाएगा, अब चेक करो क्या अब ये नंबर 2 से। मैं बार बार के मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इफ़ यू विल बी मोर फोकस फॉर दिस फ्री सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, राइट, फॉर फ्री बैचेज ऑन यूट्यूब, डेफिनेटली यू डोंट नीड टू बाई एनी कोर्सेस ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म। अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है, प्री की हो चाहे मेंस की हो चाहे इंटरव्यू की हो चाहे ऑप्शनल का हो, तो आप ज़रूर ले सकते हैं अनअकैडमी पे, SKSTN या किसी भी ऑनलाइन कोर्सेस या कहीं भी कोई भी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, ये मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। राइट, आप डेली फोकस कीजिए और आपको सब कुछ मिलेगा, A to Z चीज़ें। राइट, ओके, इसलिए आप आराम से फोकस करें, आराम से इन सब चीज़ों को ध्यान से देखते चलें। ओके, सभी लोग सेशंस को लाइक करें और शेयर करें। राइट, सभी लोग सेशंस को लाइक करें और शेयर करें। राइट, सभी लोग सेशंस को लाइक करें और शेयर करें। राइट, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, इज इट क्लियर। यस सर, आपके रीजनिंग वाले वीडियो से इस बार का पेपर किया, ओके, ठीक है, आराम से समझो। तो ये बात सबको, अभी देखो अभी भी अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो इसमें देखो 2 से तो नहीं होगा लेकिन 3 से होगा, क्योंकि 3 के टेबल में ये आता और ये आता है, इसलिए देखो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 2 3 7 जा। राइट, तो 2 7 3, राइट, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 2 जा कितना आएगा, 24 2 जा कितना आएगा, 48 48 7 जा, बताओ 48 7 जा कितना आएगा, बताओ, ट्रिक बताओ,
48.7 जा, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको सिखाया था, इसलिए नहीं सिखाया था कि 48 को 7 से आप मल्टीप्लाई करो, वो बार बार प्रैक्टिस करना, जो प्रैक्टिस नहीं करे हे भगवान उसकी शादी 10 साल तक ना हो, नहीं तो चुपचाप प्रैक्टिस किया करो, राइट, जितना बोल रहा हूँ उतना हो जाए, एक नहीं दो चार शादी हो जाए, फिर शादी होनी हो तो ज़्यादा शादी हो, ठीक है। 7 8 56, राइट, ओके, तो ये कितना आएगा, 336 आया, कितना आया 336, आपको समझ में आया, राइट, फटाफट मुझे बताओ, फटाफट मुझे 12 24 48 48 75, बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा, फटाफट बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा। सबसे पहली बात, आप दो से चेक करोगे, क्या करोगे, दो से चेक करोगे, 26 जा, 212 जा, राइट, 24 जा, और ये आएगा 75, फिर देखो टू से 23 जा, 26 जा, 12 जा, 75, राइट, फिर देखो टू थ्री जा, 26 जा, देखो मैं अभी कह रहा हूँ आपको इसलिए नहीं घबराना है कि सर ये तो बहुत लंबा हो रहा है, मेरे बच्चे आपको लंबे के ऊपर नहीं जाना है, राइट, आप सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर दे रहे हो, यूपीएससी वहाँ पे आपके पास 80 क्वेश्चंस देती है फेंक के, ले बेटा तू 80 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा, इसमें से अगर तेरे अंदर है मेहनत करने का हुनर तो कोई सा भी इसमें से तो 40 क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करके दे दे। तो मेरे बच्चे 2 घंटे में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही कम टाइम है, समझ में आ रही है, इसलिए कुछ चीज़ों के प्रति आप अपने आप को कॉन्साइज मत करना, राइट, सर मैं अपना डाउट कैसे पूछूं, राइट, अनअकैडमी का कोर्स ले लो, गाइडेंस प्रोग्राम ले लो, आप वहाँ पे आराम से आप सब इन सब चीज़ों का पूछते रहो, ठीक है, आप कैसे पूछोगी, ठीक है। अब देखो ये हो गया, राइट, अब देखो यहाँ 2 से नहीं, अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 3 2 जा, और ये करो तो 25 75, अब नहीं होगा कहीं, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 24 2 जा 48 48 into 25, इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, 24 5 120, ये 1200 आएगा, इसका भी ट्रिक होता है, राइट, इसका भी ट्रिक होता है कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। रिद्धि जागर कह रही सर नहीं समझ में आया, बेटा देखो आपको नहीं समझ में आया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको नहीं कुछ करना है, आप सबसे इसको याद रखो ना, एलसीएम के लिए सबसे पहली बात लोवेस्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, राइट, एटलीस्ट 2 नंबर इज डिविजिबल, कम सबसे मिनिमम, पहले चेक करो 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसे ऐसे करके, और कम से कम 2 नंबर जो है डिविजिबल होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो 3 से क्यों लगाया, क्योंकि 336 था, फिर 75 भी था, अब देखो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं डिविजिबल हो रहा है, नहीं 2 से, नहीं 2, नहीं 3, नहीं 5 से, ये 2 और 25 अलग अलग चीज़ें हैं, राइट, अभी देखो मैं आपको दे रहा हूँ, राइट, जैसे कि मान लो 35 दिया, 40 दिया, 45 दिया, राइट, 30 40 45 दिया, है ना, फिर मैंने आपको यहाँ पे 75 दे दिया, बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा, राइट, बताओ 8 12 15 20 25 30, इसका एलसीएम बताओ क्या आएगा, फिर मैं आपको इसी पे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, एक आपको आराम से बताइए, ये ट्रिक नहीं है सर, लास्ट का 2 क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं आप, 3 से सीधे 2 किया तो इंक्लूड, 2 किया तो, राधा राजपूत कौन सा डाउट है आपका सर, मल्टीप्लीकेशन स्टेप नहीं समझ में, मल्टीप्लीकेशन स्टेप का क्या मतलब है, देखो ना आपको कुछ नहीं करना भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, सबको मल्टीप्लाई करो जितने भी डिजिट्स है, इसको इससे 1 को छोड़ दो, फिर इसको इससे, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस प्रकार आदमी सिंगल रहे दुनिया में कितना भी तहलका मचाए उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, अभी आप सिंगल हो, आपको कोई कुछ करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, नहीं सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो घर वाले आपको 1 से 2 बना देंगे, आपकी शादी कर देंगे, राइट, तो शादी कर देंगे तो आपके पास जिम्मेवारी हो जाएगी, राइट, सुबह हो चाहे शाम देखो, है ना, आपके बाबू सोना धनिया पुदीना का फ़ोन आता रहेगा, अभी आप ऐसे ही हो, है ना, इसलिए आराम से सर विल यू कवर फुल सी सैट ऑन यूट्यूब, डेफिनेटली आई विल कम्प्लीट हियर, राइट, अगर आप यहाँ पे आराम से चीज़ों को लेकर के सीरियस रहोगे तो आपको होगा, ओके, सीरियस रहोगे, लाइव क्लास जो मेरे लाइव सेशन में खो गया समझो वो सी सैट में क्वालिफाई हो गया, मैं हमेशा कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, अभी भी कह रहा हूँ आपको, राइट, किस इंडिया में जितने भी टफेस्ट एग्जाम है, राइट,
उसमें जिस भी लेवल के क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चंस को कॉन्साइज करके आपको मिलेगा। बस आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है, राइट, आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है और रेगुलर आपको क्लास में टाइम से आना है। ओके, कंट्री है सर, क्लियर? सभी लोग सेशंस को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। देखो अब देखो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद। देखो जैसे ये हो गया, फाइव हो गया, राइट, इसको दो, इसमें टू से तो नहीं जाएगा, राइट, तो आप थ्री से दे सकते हो। कैसे? क्योंकि थ्री से ये और ये कैंसिल होगा। 35 नहीं होगा तो एडजेक्टिव छोड़ दो, 14 नहीं कटेगा थ्री से एडजेक्टिव छोड़ दो, 15 थ्री या 45 कटेगा, थ्री के टेबल में 25 थ्री या 75 होगा, ठीक है, आराम से देखो, आराम से। अब देखो थ्री से कोई और भी दो नंबर है जो डिविजिबल है, कोई नंबर नहीं है। फिर टू से, टू से भी नहीं है, फाइव से जाएगा क्या? हाँ फाइव से जाएगा, देखो फाइव से कैसे जाएगा, फाइव सेवन जा, फाइव एट जा, फाइव थ्री जा, फाइव फाइव जा, ठीक है। अब देखो फाइव से नहीं, थ्री से नहीं, एट से नहीं, से अब नहीं जाएगा कोई भी, क्योंकि कम से कम इसमें दो नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, कम से कम दो नंबर। बेटा क्लास की टाइमिंग 10 PM है, तब आप क्या करोगे, थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू एट इंटू थ्री इंटू में फाइव, अब आप इसको हमें बताओगे, क्लियर, अब आप हमें बताओगे, बात समझ में आ रही है? ओके, फिर इसमें देखो, फिर इसमें देखो, अभी देखो, अभी मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा, राइट, है ना, क्लास टाइम 10 PM है, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, अनअकैडमी के ऐप पे फॉलो कर लीजिए, राइट। अब इसका हमें बताओ एलसीएम, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम देखो, जैसे टू से डिवाइड करोगे तो टू फोर जा, टू सिक्स जा, 15 नहीं आएगा, टू टेन जा, 20, 25 और टू 15 जा, ठीक है। फिर देखो दो से, टू टू जा, टू थ्री जा, 15, टू फाइव जा, 25 और ये है आपका 15, राइट। अब देखो फिर से देखो, अब बात क्लियर है, अब आ रही बात समझ में, अब आ रही बात समझ में, राइट, ओके, टू, राइट। अब देखो फिर से देखो, अब आपको टू से नहीं, अब थ्री से चेक करो, थ्री से, क्योंकि टू थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा 15, फाइव 25 और थ्री फाइव जा, अब थ्री से नहीं जाएगा, अब सीधा फाइव से जाएगा, फाइव से टू वन फाइव वन जा, फाइव वन जा, फाइव फाइव जा, फाइव वन जा, राइट, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा 60, 62 जा 120, 125 जा 600 आएगा इसका कैल्शियम, आई बात 600, इसका कैल्शियम 600 आया। अब देखो मैं आपको यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाता हूँ, अब देखो मैं आपको यूपीएससी का क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी पैटर्न पे, वो अलग बात है कि आपको समझना चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, आराम से देखो, मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट, जनरल चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे जनरल चीज़ें पूछ रहा हूँ, और इसी साल के क्वेश्चन मैं आपको टिंक करके बताऊँगा। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मान लो, देखो ध्यान दो, ध्यान रखो, ध्यान दो, देखो देखो ध्यान से देखो, अभी कितना टाइम हो रहा है, मान लो, मान लो कि रात को, मान लो कि हम लोग, हम सभी लोग सुबह सुबह पार्क में, देखो हम सभी लोग सुबह सुबह पार्क में, सुबह सुबह पार्क में फाइव सॉरी पार्क में 6 AM मिलते हैं। ध्यान से क्वेश्चंस को समझो, ध्यान से क्वेश्चंस को समझो, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप समझो, दिमाग पर फोकस करो। हम सुबह सुबह पार्क में कितने बजे मिलते हैं, हम सुबह सुबह पार्क में कितने बजे मिलते हैं, 6 बजे मिलते हैं, कितने बजे मिलते हैं, 6 बजे सुबह सुबह पार्क में मिलते हैं, 6 बजे मिलते हैं, राइट, ओके, सुबह 6 बजे मिलते हैं, ठीक है। जिसमें मान लो कि आपके एस एस एम सर यानी कि सुबह एक साथ 6 बजे मिले, कितने मिले, 6 बजे सुबह सुबह मिले, सुबह सुबह 6 बजे मिले किसी पॉइंट पे, किसी जगह पे, राइट, है ना, किसी जगह पे, राइट। फिर से हमें उसी पॉइंट पे कब मिलना है, अगर मान के चलो कि मैं वहाँ पे 30 सेकेंड में एक बार मिलता हूँ, राइट, और क्लास से मान लो कि आपकी सनी भाभी मान लो वो 45 सेकेंड में एक बार मिलती है, राइट, और एक मान लो आपकी कौन सी भाभी होगी, ढोको लोलो चाचा हो गए आपके, ढोको लोलो चाचा हो गए, राइट, है ना,
वो मान लो आपको 60 सेकंड में एक बार मिलते हैं, कितने सेकंड में? 60 सेकंड में एक बार, राइट। मैं हर एक 30 सेकंड में एक बार, ये 45 सेकंड में एक बार, और ये 60 सेकंड में एक बार। ध्यान से समझा, ध्यान से समझना, राइट। तो एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे? तो सबसे पहली बात, कुछ ना कुछ ऐसे लोवेस्ट कॉइन को एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर रहा होगा, तीनों को डिवाइड कर रहा होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, 30, 45 और 60 का हम लोग क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, कोई बताएगा? 30, 45 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 30, 45 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, कितना एलसीएम, इसका एलसीएम बताओ। इसका एलसीएम लोगे तो 180 आएगा। ये क्या सब सेकंड, तो 180 सेकंड कितना आया, 180 सेकंड। अच्छा, 6 बजे हम लोग सुबह एक साथ मिले थे, राइट। तो ये तो एक साथ कब मिलेंगे, तो इसमें हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 सेकंड, राइट। तो करो कितना आएगा, ये आपका 3 मिनट आएगा, राइट। तो 6:03 में हम लोग फिर से एक साथ मिलेंगे, राइट। तो शायद मुझे नहीं लगता ये चीज़ आपको समझ में ज़्यादा आई होंगी अच्छे तरीके से। आपको ये चीज़ नहीं देखना, मैं आपको दिखाता हूँ इसी जैसा सेम पैटर्न के क्वेश्चन इस बार UPSC ने आपके एग्जाम में भी पूछा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आना चाहिए, बस आपको बेसिक्स एलसीएम एटलीस्ट आना चाहिए, जो आप कर सको और आप जिसको आप समझ सकें, राइट। ओके, जो आप कर सकें केवल आप समझ सकें। ये देखिए शायद यही है क्या, हाँ यही है। ओहो ओहो, क्वेश्चंस ये वाला है, देखो क्वेश्चन एक बार रीड करो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चंस विजिबल हो रहा है आप सभी को, आप सबको क्वेश्चंस विजिबल हो रहा है? पहले एक बार आप सभी लोग क्वेश्चंस को रीड कीजिए, एक बार आप सभी लोग क्वेश्चंस को यानी एक बार रीड कीजिए, क्या आपको क्वेश्चंस विजिबल हो रहा है, राइट? है क्या आपको क्वेश्चंस विजिबल हो रहा है? देखो आराम से, देखो आराम से, टेंशन नहीं लो। देखो तीन ट्रैफिक सिग्नल है, राइट। देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, ओके। ईच सिग्नल चेंजेज कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, राइट, एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन, एंड देन फ्रॉम रेड टू राइट व्हाट, रेड टू ग्रीन, ओके, रेड टू ग्रीन, एंड द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, सेकेंड सिग्नल टेक्स 39 सेकेंड, एंड थर्ड सिग्नल टेक्स 60 सेकेंड। हाउ मच सेकेंड? 60 सेकेंड। सो देर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, राइट, विच चेंजेज द कलर रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू रेड। फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, सेकेंड सिग्नल टेक्स 39 सेकेंड, एंड थर्ड सिग्नल टेक्स 60 सेकेंड। तो एटलीस्ट अब आप मुझे बताओ कि तीनों एक साथ कब टिक करेंगे, एक साथ कब कलर को चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट यानी मिनिमम लोवेस्ट नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जो 25 से भी डिविजिबल हो, 39 से भी डिविजिबल हो, 60 से भी डिविजिबल हो, दैट विल बी नोन एज योर एलसीएम, राइट, दैट इज नोन एज योर एलसीएम। ओके, मेरी बात सबको समझ में आ गई, एलसीएम बताओ। इज इट क्लियर, यस या नो, राइट। तो एलसीएम भाई, एलसीएम क्यों निकालना होगा, ये बात समझ, राइट। ये इसी साल का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, राइट। तो आप मुझे इसका एलसीएम बताओ, सभी आप इसका एलसीएम बताओ, राइट। व्हाट इज इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, राइट, 25, 39 और 60 का इसका एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम बताइए, एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम बताइए। देखो गुरचन सिंह काजल कह रहा है कि बिन्नू दी आई वॉन्ट टॉक टू विथ यू,
भाई तुम बिन्नू दी से तुम क्या बात करना चाहते हो, राइट? मतलब ढोको लोलो तुमको बिन्नू से ही बात करना है, हैं? यहाँ पे बहुत सारे आशीष हैं, समीर है, तमन्ना है, राइट? ऐसे ऐसे लड़कियाँ, उनसे बात। इस बार पेपर टफ आया था क्या बेटा? इस बार पेपर बहुत टफ आया था, राइट, है ना? इसलिए बार बार कह रहा हूँ पढ़ाई करो, राइट, है ना? इसका जवाब एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम कैसे लोगे, अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 25, 313 जा 320 जा, राइट, ओके, 5 से करेंगे 55 जा 13, 54 जा, राइट, ओके, तो ये आएगा 35 जा 15, 4 5 जा 75, 13 75 4 जा 300, ये 3900 है। ये 3900 क्या है? ये सेकंड है। अगर 3900 सेकंड है तो आप मुझे बताओ 3900 सेकंड में कितने आर्स होंगे, कितना मिनट होगा, ये मुझे आप बताओ, ये मुझे आप बताओ। हम तो यूपीएससी के सिलेबस, राइट, मुझे बताओ, राइट, 3900 सेकंड में। देखो भाई, आपको ये बात पता होना चाहिए, ये बात पता होना चाहिए कि एक घंटे में 60 मिनट होती है, राइट, हाँ, एक मिनट में 60 सेकंड होता है, राइट। तो अगर ये इतना सेकंड है, राइट, इतना सेकंड है, अगर मैं 3900 सेकंड अगर मैं 60 से भाग कर डिवाइड कर दूँ, राइट, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 के 36 और 6 5 35, ये 65 क्या आएगा? ये सेकेंड से डिवाइड, क्या आएगा आपका? मिनट आएगा। 65 मिनट का मतलब क्या आएगा? क्या आएगा इसमें? 1 घंटा 5 मिनट, कितना आएगा आपका बताओ? ये बात समझ में, ये सब मैंने क्यों डिवाइड किया ये बात पता चल रहा है ना, क्योंकि ये सभी लोग आर्ट्स में दिया हुआ है, ये सभी आर्ट्स में दिया हुआ है। आराम से अभी साइंस, अभी देखो, अभी मैं आपको सिलेबस भी नहीं बताया हूँ, राइट, सिलेबस में 1 घंटा 5 मिनट। तो भाई एक साथ अगर ये 2 बजे टुगेदरली, राइट, अगर ये 2 बजे एक साथ मिले हैं तो इसमें 1 घंटा 5 मिनट बाद मिलेंगे, 1 घंटा 5 मिनट, तो 3 बजकर 5 मिनट। क्या कोई ऑप्शन में है 3 बजकर 5 मिनट? नहीं है, नहीं है ना? तो भाई दोनों का कंबाइंड तो 1 घंटा 5 मिनट हुआ ना, यानी 1 घंटा 5 मिनट में हर बार मिलेंगे, राइट? तो अभी ने आज 1 घंटा 5 मिनट फिर से आप ऐड कर दो तो ये कितना आएगा? 4 बजकर 10 मिनट, चार ऑप्शन में दिख रहा है 4 बजकर 10 मिनट। अगर ये नहीं होता तो फिर हम इसे 1 घंटा 5 मिनट ऐड करते, फिर हम आंसर चेक करते, ओके? तो मैं आपको ये नहीं यहाँ पे बता रहा हूँ भाई ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये जो क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है, राइट, क्वेश्चंस के जो थॉट्स क्या है, राइट, वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, ओके? इस टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे, राइट? तो आपको टेंशन, हर एक क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका लिंक होगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ओके? तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं हमारे सिलेबस के लिए? आर यू रेडी टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? इफ़ यू ऑल आर रियली रेडी, सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, यस सर आई एम रियली रेडी फॉर दिस सिलेबस। क्या आपको मैं सिलेबस बताऊँ? आर यू रेडी? एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करिए, यस सर मैं अपने कल के रिकॉर्ड को आज तोड़ दूंगा। मतलब पिछले साल जितनी पढ़ाई की हो इस बार उससे कई गुना ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, लेकिन 2024 में सक्सेस होने का एक ही मतलब है, रिपीट एंड रिवीजन। क्या मैं कह रहा हूँ? रिपीट एंड रिवीजन, राइट। पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको रिवीजन करना। क्या इम्पॉर्टेंट है सर? आपको रिवीजन करना। क्या इम्पॉर्टेंट है आप सभी का? रिवीजन करना, ओके? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स? क्या जरूरी है आपका? रिवीजन करना। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है? आपको रिवीजन करना है, ओके? क्या करना है आपको? रिवीजन। लिखो कमेंट सेक्शन में, यस सर, रिपीट एंड रिवीजन। थोड़ा सा और रुको, मैं आपको और बताता हूँ एक चीज। वन सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए, मेरे पास कहाँ गया मेरा पीपीटी? अरे ये क्या है? हाँ, हम्म,
थोड़ा सा रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चे. वेयर इज मेरा सिस. मैं आपके लिए अभी तो मैं सिलेबस लेके आया था, पीपीटी बना के इतना प्यार से कहाँ चला गया, कहाँ. क्लियर? एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा पेशेंस. वो मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा अभी, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी दिखाना तो पड़ेगा ना. फिजिक्स 4 ब्लॉक नंबर सिस्टम. वन सेकंड प्लीज. रुको ना, अभी डाउनलोड भी किया. कहाँ चला गया? इसमें है. थोड़ा सा रुके मेरे प्यारे बच्चे. राइट, एक सेकेंड. सी सेट देखो तो कहीं का कहीं किसी को सिलेबस लिखा हुआ दिख रहा है इसमें? देखो तो आप कहीं किसी को सिलेबस लिखा हुआ दिख रहा है? सिलेबस नहीं दिख रहा है ना. कहाँ चला गया यार? रुको. बस प्लीज वेट. सी सेट बाय संजय कुमार सा सर्च करिए, टेलीग्राम मिल जाएगा. रे मैं खुद से तो बता ही दूंगा, लेकिन वो चीज़ें मिल जाएगा आपके लिए तो मेरे लिए भी ज़्यादा अच्छा, आपके लिए भी ज़्यादा अच्छा है ना. वो गया तो गया कहाँ? बस थोड़ी देर. हाँ मिल गया. देखो भाई, मेरे टेलीग्राम के पीछे जाओगे ना, है ना, तो टाइमिंग ऑफ द क्लास 10 PM है. राइट, है ना? राइट, ओके. 10 देखो, सबसे पहली बात, इस बार जो इस सेशन में जो है, मैं करीब आपको आपको विजिबल हो रहा है? इज इट विजिबल? क्या आप सभी को विजिबल हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे? क्या आप सभी को विजिबल हो रहा है? सबको विजुअल हो रहा है? सब लोग सेशंस को लाइक. सब पहली बात तो सब लोग टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो. देखो, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको बता रहा हूँ. देखो, नहीं होता पहले तो पहला टेलीग्राम सी सैट स्पेस पोर्टल, या नहीं तो जैसे ये लिखा है ना, SSM सर IIT दिल्ली, इसमें अगर आप ऑफिशियल लिखोगे तो आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या नहीं तो सी सैट बाई संजय कुमार SHAH, सी सेट बाई संजय कुमार शाह. राइट, टेलीग्राम लिंक को सर्च करो. इसका PDF मैं टेलीग्राम पे मैं अभी शेयर कर दूंगा. राइट, है ना? सब राइट है ना? और बाकी अन अकेडमी पर किसी को भी कोई भी कॉल आता है, अन अकेडमी पर मेरे फ्री लेक्चर्स देख सकते हो.
बाई यूजिंग माई रेफरल कोड SKS10 उसको अप्लाई करके वहाँ से भी कर सकते हो, राइट ओके। तो ये जो सिलेबस है ना, ये जो सिलेबस है जो हमारी क्लास होगी, राइट है ना, ये मैं अभी मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा, राइट है ना। ये मैं आज PDF करके, आज नहीं तो कल तक मैं आपको, कल सुबह तक टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा, ये आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात ब्लॉक वन है जिसमें मैं आपको SSM फंडा फॉर बेसिक्स मैंने करा दिया, दो सेशन आपका कंप्लीट हो गया है। परसेंटेज के ऊपर 5 सेशन होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो है आपके 2 सेशन होंगे, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो है ये आपके कितने सेशन होंगे सर, इसमें आपके 2 सेशन होंगे, राइट है ना। डिस्काउंट्स के ऊपर जो है ये आपके जो डिस्काउंट्स हैं, राइट है ना, डिस्काउंट्स के ऊपर 1 सेशन होंगे, राइट। इंटरेस्ट के ऊपर 2, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था, याद है, राइट, इज इट क्लियर, यस राइट है ना, मैंने आपको बताया था, राइट है ना। उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट, फिर CSAT ब्लॉक ऑल इंडिया फ्री टेस्ट इसमें, राइट, ये आपका इसका 1 सेशन, राइट। रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, राइट है ना, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, पार्टनरशिप, एज एंड CSAT ब्लॉक 2 ऑल इंडिया, राइट, इसके इतने सेशंस होंगे, ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इससे ज़्यादा सेशन नहीं होगा, राइट है ना, इसमें लाइव देखते रहना, कुछ सेशन यहाँ होंगे, कुछ सेशन हो सकता है कि आपको अनअकैडमी के ऐप पे वो भी फ्री में देखने को मिले, इसलिए अनअकैडमी आपको डाउनलोड करके मेरा कोड SKS10 कर लेना, राइट राइट ओके, समझ में आ रही है। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखो परमुटेशन, सॉरी ये 4 सेशन ये गलत लिखा है, राइट है ना, 4 सेशन नहीं है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 4 सेशन नहीं, गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 4 नहीं है, राइट, इसके 14 सेशन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इसके 14 सेशन है, राइट है ना। प्रोबेबिलिटी के जो है इसके 5 सेशन है, राइट, CSAT ब्लॉक ऑल इंडिया, राइट। तो ये ब्लॉक 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्लॉक 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इस बार UPSC ने कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, लिखो कमेंट सेक्शन में, ब्लॉक 3 से पूछा था, ठीक है, रीजनिंग का भी दिखाऊंगा। फिर ब्लॉक 4 टाइम एंड वर्क पाइपलाइन सिस्टम, टाइम एंड वर्क से भी इस बार एक क्वेश्चन पूछा था, पता है, टाइम एंड वर्क एंड वेजेस एंड CSAT ब्लॉक ऑल इंडिया, राइट, ये है आपका मैथ्स का, ठीक है। फिर ये देखो, फिर ये नंबर सिस्टम SAP LCM, राइट, इस बार SC नंबर सिस्टम का 10 नहीं है, इसका 20 है, ये महाढोको लोलो है, ठीक है। SAP LCM का 2 ठीक है, राइट, बाकी ये है आपका नंबर सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक 6 का टाइम एंड डिस्टेंस, राइट, ट्रेंस, बोट एंड स्ट्रीम, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, CSAT ब्लॉक। उसके बाद फिर आपका रीजनिंग का है, राइट, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन था इस बार, ना इससे था, ना इससे था, ना ही इससे था, राइट, लेकिन इस बार इस कंप्लीट कराऊंगा। ब्लॉक टू में तो UPSC ने इस बार इससे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, राइट, ब्लॉक 2 से इस बार UPSC ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन आने वाले टाइम में चांस है। फिर ब्लॉक 3 से क्वेश्चन पूछे थे, ब्लॉक 3 से क्वेश्चन भाई कोडिंग डिकोडिंग से भी था इस बार, कैलेंडर से भी था, Q&Q से भी क्वेश्चन था, और सीरीज से भी था, इसलिए ब्लॉक 3 मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, वो इसका भी, राइट ओके। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये हमारा सेशन, राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC, इसके ऊपर ओनली 5 सेशन है, बट दैट विल बी इंक्रीज एंड बाई चार्ट अपाइए, इसका स्क्रीन शॉट सबने लिया, ये मैं आपको टेलीग्राम पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ओके, इज इट क्लियर। तो बाकी सारे मेरे प्यारे बच्चों, और किसी के मन में कोई भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी, राइट, प्लीज़ मैं एक ही बात कहूँगा, बार बार एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, राइट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा, राइट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट, आप प्रैक्टिस करते चलिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, राइट, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम UPSC वाले हैं साहब, टूटते हैं, क्या करते हैं, टूटते हैं, उठते हैं, लड़ते हैं, हारते भी हैं, और फिर जीत जाते हैं। इस बार की टॉपर जो रैंक वन आई है, कौन आई है टॉप रैंक वन, राइट, आपको पता है उनका 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तक भी नहीं क्वालिफाई हुआ, लेकिन लास्ट 3rd अटेम्प्ट में हारी भी, राइट, 3rd अटेम्प्ट में वो रैंक 1 लेकर के आई, रैंक 1। इसलिए आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को, आप भी मेहनत कर सकते हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, राइट, अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो घर बैठे ही आप खुद से भी पढ़ सकते हो, राइट, आप घर बैठे खुद से भी बैठ के पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, बस आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, राइट, मेंटरशिप होना चाहिए, कोई गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपको बता सके, राइट,
इज इट क्लियर? बाकी अगर आपका बेसिक्स बहुत वीक है, आप चाहते हो मेरे पास टाइम है, मैं फुल टाइम तैयारी करना चाहता हूँ, तो अन अकेडमी पर हमेशा लेटेस्ट ऑफर होते हैं, राइट? ऑफर में, राइट? कभी भी अन अकेडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट में, राइट, आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड SKS10, राइट? इस कोड को यूज करके SKS10, ऐसा नहीं केवल मेरी ही क्लास मिलेगी, जितने भी टॉप एजुकेटर हैं सभी, ऑल एजुकेटर की क्लासेस मिलेगी, मेरा पर्सनल गाइडेंस होगा, नोट्स मिलेगा, बुक्स मिलेगा, राइट, है ना? लेकिन मैं आपके साथ पर्सनली आपको गाइड करूँगा, राइट, क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करोगे, राइट, कुछ भी आप पूछ सकते हो कभी भी, राइट, A to Z चीज़, ठीक है? लेकिन वही जो मेरे गाइडेंस से तैयारी करना चाहते हो, मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहते हो, तो आप यू कैन यूज माई रेफरल कोड SKS10, ठीक है? तो आज के लिए बस राइट इतना ही, ठीक है? और सर के ट्रिक से 145 स्क्वायर करके दिखाइए, 145 का स्क्वायर ये लो 145 का स्क्वायर ये लो, क्यों नहीं होगा 145, ये लो, ऐसे कर दो, बांट लो, 5 का करोगे 25, 14 का करोगे 196, 14 पंच 70, 70 दूनी 140, तो 041 हो गया, 25 6 4 में से 20 और 21 ये लो हो गया 2105। और ऐसे भी 145 का आपको ट्रिक बताया था, 14 के बाद 15, तो 73 2105 होगा, बताया था कि नहीं बताया था मैंने, राइट? तो आज का सेशन कैसा लगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करिए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, अन अकेडमी आप पे जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल, ठीक है? फिर मिलते हैं कल, कल इसी में से कोई एक सेशन स्टार्ट करूँगा, कोई एक कॉन्सेप्ट। थैंक यू। नहीं, फॉलो कर लीजिए अन अकेडमी के ऐप पे जाकर के, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, फ्री लेक्चर सब देखोगे ना, डाउनलोड करोगे ना, डिस्क्रिप्शन में देखो ना दिया होगा फ्री, तो फॉलो, तो वहाँ पे भी SKS10 कोड को देख सकते हो फ्री में।